मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के समीप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में चिनार का पौधा रोपित करने के उपरांत कहा कि राज्य सरकार सदैव ही पारिस्थितिकीय एवं प्राकृतिक संतुलन के संरक्षण के लिए कृत संकल्प है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वन एवं मनुष्य जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है और हम सब का कर्तव्य है कि ना केवल वनों का संरक्षण किया जाए बल्कि अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं और इन्हें जीवित रखना भी सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के समीप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में चिनार का पौधा रोपित करने के उपरांत कहा कि राज्य सरकार सदैव ही पारिस्थितिकीय एवं प्राकृतिक संतुलन के संरक्षण के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में वनों का बड़ा महत्व है। मुख्यमंत्री जानवरों, पक्षियों व वन्य प्राणियों जो पर्यावरण बनाए रखते हैं के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। वीरभद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2016-17 के दौरान 150 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर 1500 हेक्टेयर वन भूमि पर 35 लाख औषधीय पौधों सहित 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अथवा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा इस प्रकार के प्रयास आम लोगों को पौधारोपण की आवश्यकता के बारे में जागरूक करते हैं और उन्हें वनीकरण के लिए प्रेरित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कार्बन क्रेडिट अर्जित करने वाला एशिया में पहला राज्य है और इसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार से इसके एवज में पहली किश्त के रूप में राज्य को 1.93 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जिसे राज्य की पंचायतों में पौधारोपण अभियान और संबंध गतिविधियों से जुड़े स्वयं सहायता समूह में वितरित किया गया है। बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज इस सभा का आयोजन किया और इस मुहिम को वृक्षारोपण के मुहिम को क्या वो प्रदेश में चले। वृक्ष मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है और वृक्षों की रक्षा करना, जंगलों की रक्षा करना, वनस्पति की रक्षा करना न केवल सरकार बल्कि हर नागरिक का ये धर्म है। हमने हिमाचल में सख्त कदम उठाए और वृक्षों के कटान के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया कि वृक्ष जो है हमारा जीवन है। वृक्ष है तो इंसान रहेगा। जो ऑक्सीजन वृक्षों से प्राप्त होता है वो स्वास्थ्य लाभ के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए अति आवश्यक है। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट।